तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल इलीट रेसलिंग के अगले शो फाइट फॉर द फॉलन के पूरे मैच कार्ड के बारे में। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा फाइट फॉर द फॉलन आने वाली है जुलाई 13 2019 को, और इसके लिए काफ़ी अच्छे मैचेस ऑलरेडी जो हैं AEW ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिए हैं। अब उससे पहले कि मैं आपको मैचेस बताऊं गाइज, फाइट फॉर द फॉलन इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये फ्लोरिडा में होने वाली है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गन वॉयलेंस होता है, और उस चीज़ को गाइज ये सपोर्ट कर रहे हैं ऑल इलीट रेसलिंग। तो जितने भी पैसे जनरेट होंगे इस इवेंट से गाइज, वो गन वॉयलेंस के सारे विक्टिम्स को जाएंगे और उनको डोनेट करे जाएंगे। तो एक काफी अच्छे पर्पस के लिए इवेंट करा जा रहा है। इसके मैच कार्ड की बात करें गाइस, तो हमें एक बड़ा टैग टीम मैच देखने को मिलेगा जहां पे कोडी और डस्टिन रोड्स लड़ेंगे द यंग बक्स से। और जैसा कि हमने देखा है पिछले डबल और नथिंग और फाइटर फेस्ट में, यंग बक्स एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं और कितने अच्छे मैचेस वो हमें देने वाले हैं। और ये मैच मेरे हिसाब से और भी ज्यादा अच्छा होगा, इसमें इमोशन होगा, इसमें स्टोरी होगी और काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा केनी ओमेगा वर्सेस चीमा, जो कि एक काफी एक्साइटिंग मैच हो सकता है गाइस, क्योंकि केनी ओमेगा काफी अच्छे से जैपनीज स्टाइल को जानते हैं और इस वजह से मुझे लग रहा है कि चीमा भी क्योंकि जैपनीज हैं तो ये दोनों आपस में अगर मिल जाएं तो शायद एक काफी अच्छा मैच प्रोड्यूस कर पाएंगे। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा गाइस ब्रैंडी रोड्स वर्सेस एली, और ये ब्रैंडी रोड्स का पहला ऑफिशियल मैच होगा AEW में, तो उसके लिए मैं काफी इंटरेस्टेड हूं देखने के लिए कि वो कैसे परफॉर्म करती हैं। उसके बाद गाइस आता है मैच जहां पे हैंगमैन एडम पेज लड़ेंगे किप सेबियन से, और जैसा कि हम जानते हैं ऑल आउट में उनका मैच क्रिस जेरिको के साथ होने वाला है, तो उससे पहले उनको एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी काफी जरूरी है ताकि उनके उस मैच के लिए भी हम एक्साइटेड हों। उसके बाद गाइस लूचा ब्रोज यानी कि पेंटागन जूनियर वर्सेस फीनिक्स लड़ेंगे स्कॉर्पियो स्काय और फ्रैंकी कजेरियन से, जो कि SCU के मेंबर्स हैं और ये भी काफी अच्छा होने वाला है। उसके बाद गाइस क्रिस जेरिको को एक ओपन माइक की सेगमेंट में हम देखेंगे जहां पे वो आके कुछ भी बोल सकते हैं जो वो चाहें, तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुझे लगता है क्रिस जेरिको काफी अच्छे से जो है तैयारी कर रहे होंगे इस सेगमेंट की, तो ये बिल्कुल कैंट मिस होने वाली है। उसके बाद गाइज आता है बाय इन यानी कि प्री शो, जो हमें फ्री में देखने को मिलता है यूट्यूब पे। यहाँ पे दो मैचेस होंगे जिसमें से पहला द लाइब्रेरियन पीटर एवलॉन लड़ेंगे सोनी किस से, जो कि एक मैच होगा। लास्ट टाइम हमने देखा था कि लेवा बेट्स का मैच हुआ था एली के साथ और उसमें जो थी एली जीत गई थी, लेवा बेट्स हार गई थी। इस बार दूसरे लाइब्रेरियन का हमें मैच देखने को मिलेगा। और दूसरा एक होने वाला है गाइज सिक्स मैन टैग टीम मैच जहाँ पे MJF शॉन स्पियर्स और सैमी गेवारा की टीम लड़ेगी जोई जनेला डार्बी एलन और जिमी हैवेक से। और ये थोड़ा अजीब है क्योंकि शॉन स्पियर्स ने हील टर्न कर लिया था कोडी रोड्स के अगेंस्ट, और शॉन स्पियर्स जो हैं वो MJF के भी अगेंस्ट हैं दोनों, क्योंकि MJF काफी अच्छे फ्रेंड है कोडी रोड्स के, तो ये टीम बनाने में थोड़ी सेंस जो है वो नहीं बनती। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पे स्टोरी लाइन अगर AEW हमें कोई दिखाती है। तो ये है सारा मैच कार्ड गाइज ऑल इलीट रेसलिंग के इस शो का, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। संडे को सुबह हमारे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ये शो हमें देखने को मिलेगा, और फिर मंडे को सुबह हमें एक्सट्रीम रूल्स देखने को मिलेगी। तो ये वीकेंड जो है वो काफी बिजी रहेगा और आप लोगों के लिए काफी सारा कंटेंट आने वाला है, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट्स में बताएं अपने थॉट्स इस मैच कार्ड के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।